أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم फिर अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर और मोमिनों पर अपनी तरफ़ से तस्कीन नाजिल की और ऐसे लश्कर उतारे जो तुम्हें नज़र नहीं आए और जिन लोगों ने कुफर अपना रखा था अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दी और इसे काफिनों और ऐसे काफिनों का यही बदला है जो अल्लाह उस फिर अल्लाह जो उसको फिर अल्लाह उसको चाहे तोबा नसीब करे और अल्लाह बहुत बड़ा बख्शने वाला बहुत बड़ा मेहरबान है सूर तौबा की दो आयात 26 और 27 आपके सामने पढ़ी गई है इससे पहले 25 नंबर की आयत में ग़ब हुनैन की आपके सामने कुछ तफसील बयान की गई थी और मुसलमानों की शिकस्त का सबब बयान किया गया था कि मुसलमानों ने ग़ब हुनैन के मौके पर यह कहा था तो आज हमारी इतनी तादाद है कि कोई हमको शिकस्त नहीं दे सकता आज हमको कोई शिकस्त से दो चार नहीं कर सकता तो अल्लाह तारा ने पहले वहदे में अव्वल मरहल में मुसलमानों को शिकस्त से दो चार किया मुसलमानों के पाँव उखड़ गए मुसलमान पूरे इधर उधर बिखर गए चितर बितर हो गए फिर अल्लाह ने मुसलमानों की मदद फरमाई जैसा कि पहले अल्लाह ताला ने फरमाया बहुत सारे मौक़े पर अल्लाह ताला ने मदद फरमाई इससे पहले बदर के मौके पर वहद के मौके पर खंदक के मौके पर और दूसरे मौक़ों पर मदद की तो अल्लाह ताला ने हुन के मौके पर भी अल्लाह ताला ने मदद की क्या मदद की जब मुसलमानों के पाँव उखड़ गए और मुसलमान जब तितर बितर हो गए किसी को किसी का होश नहीं रहा ठिकाना नहीं रहा तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर सकीनत नाजिल फरमाई सबसे पहले तो ज़िक्र फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने रसूल पर तस्कीन सकीनत नाजिल की और इसका नतीजा ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम ज़र्रा बराबर भी घबराए नहीं दुश्मन की तादाद को दुश्मन के लश्कर को देख कर ज़र्रा बराबर भी मरूब नहीं हुए और अपने सफ़ेद खच्चर पर सवार रहे और दुश्मनों की तरफ बढ़ते रहे बहुत सारे साहबा क्राम की ख्वाहिश किए थे कि अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे ना बढ़ें लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तूफ़ानी लड़ाई में भी दुश्मनों की तादाद की कसरत के बावजूद भी जर्रा बराबर भी पीछे नहीं हटे कि चलो पीछे हटेंगे पना लेंगे जान बचाने की कोशिश करेंगे बाद में फिर लड़ेंगे नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर बढ़ते रहे यहाँ तक के मुसलमानों को ऐलान करके आवाज़ लगा करके फिर से जमा किया गया तो अल्लाह ताली ने नबी करीम सलम चल पर सकीनत नाजिल की और उसके बाद फिर मुसलमानों पर सकीनत नाजिल की उस सकीनत का नतीजा ये निकला कि मुसलमानों की जो पाँव उखड़ गए थे मुसलमान इधर उधर चितर बितर हो गए थे फिर से दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हो गए और फिर मुसलमानों ने ज़ोरदार हमला किया और दुश्मनों से तो दुश्मनों को शिकस्त से दो चार किया दूसरी मदद का तस्करा यहाँ किया गया है कि अल्लाह ने लश्कर को भेजा लश्कर से मुराद यहाँ मुफस््रीन ने लिखा है फरिश्तों का लश्कर फरिश्तों का लश्कर इस मौके पर भी अल्लाह नाजिल किया और फरिश्तों को यहाँ लड़ने के लिए मुफस्सिरी ने लिखा है कि फरिश्ते लड़ने के लिए शरीक नहीं हुए सिर्फ काफिरों के दिल पर रोब डालने के लिए काफिरों को मरूब करने के लिए और मुसलमानों को हिम्मत बढ़ाने के लिए मुसलमानों का हौसला अफजाई करने के लिए अल्लाह तला ने फरिश्तों का लश्कर भेजा मुफ्सरीन ने यह भी लिखा है कि फरिश्तों ने सिर्फ गजव बदर के मौके पर लड़ाई में शिरकत की थी सिर्फ गजवा बदर के मौके पर फरिश्तों ने लड़ाई में शिरकत की थी बाकी दूसरी लड़ाइयों में फरिश्ते शरीक तो हुए लेकिन लड़ाई में शरीक नहीं हुए सिर्फ मुसलमानों की हिम्मत बढ़ाने के लिए और काफिरों के दिलों को मरूब करने के लिए फरिश्ते नाजिल हुए उसके बाद फिर अल्लाह तै फरमा रहे हैं। दूसरी आयत करीमा के अंदर के अल्लाह ताला उनमें से बहुत सारे जो काफिर लड़ाई में शरीक हुए थे अल्लाह तला बतौर पेशर वो फरमा रहे हैं से बहुत सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे आयत करीमा के अंदर इशारा है अल्लाह तारा लड़ाई के बाद जिसको चाहेंगे फिर से ईमान की दौलत से नवाजेंगे ईमान उसको अता फरमाएंगे और वो मुसलमान होंगे चुनाचे ये हुआ जैसा कि आयत करीमा के अंदर अल्लाह तारा ने फरमाया है वैसा हुआ कि बहुत सारे लोग दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए बहुत सारे लो, लोगों को काफिरों को ईमान की चार्णा चार्णा से आउफ, के अल्लाह ताला ने नवाज दिया जिनमें से मालिक बिन ऑफ जो कबीले हवाजिन और सकीब के सरदार थे नौजवान सरदार बड़े पुरजोश बहादुर सरदार थे मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने तलवार उठाई थी लेकिन बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और बाद में इस्लाम के लिए इन्होंने बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ पेश की और बड़े बड़े जो है मार्का आरइयों में इन्होंने शिरकत की और इस्लाम के लिए इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी और फिर अल्लाह फरमा रहे, जो रो रो रहे। हैं जो लोग ईमान कबूल कर लेंगे इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे अल्लाह ताला उनकी गलतियों को माफ कर देंगे क्यों इसलिए अल्लाह ताला गलतियों को माफ करने वाले हैं बख्शने वाले हैं रहम करने वाले हैं इसलिए उन लोगों को ईमान कबूल कर लेना चाहिए चुनान बहुत सारे लोगों ने ईमान कबूल किया अब मैं आपके सामने हजब वादा जैसा कि मैंने वादा किया था कि इस लड़ाई से जो नतज मुसलमानों को मिले हैं और जो हिदायत और जो मसाइल और जो फवाद हासिल हुए हैं उनमें से कुछ को मैं आपके सामने बयान करता हूँ सबसे पहली हिदायत, जो इस लड़ाई के मौके पर मुसलमानों को मिली वो ये मिली कि मुसलमानों को किसी किस्म के तकबर से बचना चाहिए तकबुर कहते हैं अपने आप को बड़ा समझना और दूसरों को हकीर समझना मुसलमानों को इस चीज़ से बचना चाहिए और अपनी तादाद पर नाजरी करना चाहिए क्या रे हमारी तादाद तो इतनी है हमारी तादाद ज्यादा होने की वजह से आज हमको कोई शिक्ष नहीं दे सकता तो अल्लाह तारा ने के उनकी थोड़ी सी भूल को चूक को और उसके थोड़े से जबान से निकले हुए जुमलों को पकड़ लिया और पकड़ करके अल्लाह तारा ने बता दिया कि देखो तुम्हारी तादाद जब कम थी तो मैंने तुमको फते अता फरमाई और जब तुम्हारी तादाद ज़्यादा है तो तुमको जबान से जुमला नहीं भी करना चाहिए आज हमको कोई शिकत नहीं दे सकता जब, जब बदर के मौके पर तुम्हारी तादाद कम थी वहद के मौके पर तुम्हारी तादाद कम थी खंदक के मौके पर तुम्हारी तादाद कम थी तो तुमको मैंने फ़तह जी नहीं दी तुम्हारी मदद की फ़रिश्तों के ज़रिए तुम्हारी मदद की और काफिरों को शिकस्त से दो चार किया तो यहाँ तुम्हारी तादाद जब ज्यादा हुई तो तुमको अकड़ना नहीं चाहिए था तुमको अपनी तादाद पर नाज नहीं करना चाहिए था गुर्रा नहीं करना चाहिए था बल्कि तुमको इस मौके पर भी अल्लाह की जात पर भरोसा करना चाहिए था अल्लाह तला की मदद पर नुसरत पर अल्लाह तला की मदद पर तुमको भरोसा करके काफिरों से लड़ना चाहिए था जब तुमने ये जुमला जबान से निकाला तो देखो तादाद की ज्यादती के बावजूद हमने तुमको तो शिकस्त दो चार कर दिया उसके बाद दूसरी हिदायत इस वाक्य से ये मिलती है कि इस लड़ाई के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से रवाना हुए तो मक्के के लोग तो काफी लोग मकलूब हो गए थे और वहाँ के बहुत सारे कुफार दामन सलाम से वाबस्ता हो गए थे बहुत सारे लोगों के अंदर ईमान अभी राशिक नहीं हुआ था बहुत सारे काफिर लोग कुफर पर कायम थे तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लाम ने कुछ काफिरों से लड़ाई के लिए हथियार बतौरे, मुस्तार यानी उधार मांगा था काफिरों से तीर है नेज़े है हाना के अलैहि वसल्लम जब वो लड़ाई में मकलूब हो गए और कुफार मक्का शिकस्त खा गए तो उस मौके पर अल्लाह के वसल्लम उनसे जोर जबरदस्ती भी हथियार ले सकते थे उनको डरा कर धमका कर लड़ाई के लिए नेजे तीर तलवार

इसके बावजूद अल्लाह के वसल्लम ने जोर जबरदस्ती करके उनसे हथियार नहीं किए बल्कि मोहब्बत के साथ हथियार लिया और बाद में फिर उनको वापस कर दिया। और इस लड़ाई के, ने 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 काफिरों के लिए नहीं फरमाई एक और हिदायत के मिलती है काफिरों के लिए, 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 लिए नहीं फरमाई बल्कि उनकी हिदायत के लिए दुआ फरमाई मुसलमानों को भी इससे नसी मुसलमानों को भी इससे ये नसीहत लेनी चाहिए कि किसी वक्त भी मुसलमानों को नाउमीद नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी हिदायत के लिए दुआ करते रहना चाहिए दोबारे कह ये कुछ हिदायत थी और ये कुछ लड़ाई के नतज थे और कुछ फवाइद थे जिसको मैंने आपके सामने बयान किया अलहमदिल्ला हुनैन का जो वाकया तारीख के अंदर लिखा गया और कुरान के अंदर जो बयान किया गया उसको मैंने नहायत इख्तसार के साथ आपके सामने तीन या चार दिनों में मैंने बयान किया अल्लाह से दुआ अल्लाह उसने ज्यादा मर के तोफी फरमाए सुबह